दोस्तों, अगर आप भी कोटक बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या आप अपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आप अपना एटीएम जो डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, या कहीं भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके, तो आपका जो एटीएम कार्ड है ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो फेल्ड हो जा रहा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्यों फेल हो रहा है और आपको इससे कैसे सॉल्व करना है। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप भी अपने कोटक बैंक का जो एटीएम डेबिट कार्ड है उसके इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न या कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बार बार फेल्ड हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप अपने कोटक बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आपको अपने फ़ोन में ओपन करना होगा। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर एम पिन सेट किया है, अपने एम पिन डालकर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिंग कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पहले नंबर पर ही डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा कार्ड कंट्रोल, देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस कार्ड कंट्रोल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कार्ड कंट्रोल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही कुछ सेकंड आप वेट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन ओपन होकर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं ई कॉम ऑनलाइन, जैसा कि देख सकते हैं अभी ये ऑप्शन डिजेबल है, इसको इनेबल करना होगा, डिजेबल है इसलिए यहाँ पर अगर आपका डिजेबल होगा तो आपका कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके नहीं, कार्ड नंबर डालकर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, इस तरीके से इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म करेंगे तो इस तरीके से कन्फर्म योर चेंज और एटीएम डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट शो हो जाएगा नीचे, अब फिर से कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बस कुछ सेकंड आप वेट करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, रिक्वेस्ट चेंज फॉर योर इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंट्रोल हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। अब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड नहीं होगा, यानी आप अपना जो कोटक बैंक एटीएम डेबिट कार्ड है और आप कहीं भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं होगा।